सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका बुलेटिन ते मैं तुहाडे नाल रमन बाजवा खबरां दे विस्तार तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं हेडलाइनस ते अमरीका दे रैपर कानी वैस्ट ने राष्ट्रपति चोणां लड़न दा कीता ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ते साबका उप राष्ट्रपति जो बिडेन नूं देण के टक्कर अमरीका दे मिसिसिपी सूबे दे प्रतिनिधि सभा दे स्पीकर फिलिप गोन पाए गए कोरोना पॉजिटिव फेसबुक ते पोस्ट सांझी कर खुद दित्ती जानकारी कैनेडा वास्ते पंजाबियों लिए राहत भरी खबर अमृतसर तो टोरेंटो लिए उड़ाना हुई शुरू पहला दिल्ली तो लैनिया पैंदियां सन उड़ाना अमरीका विच दो जहाजा की हुई टक्कर अमरीका राज इदोह दी कोय दी अलैन झील विच डिगे जहाज हादसे विच अठ लोगों की मौत होने का खदशा अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जोरदार हमायती अमरीकी रैपर कानी वैस्ट ने शनिवार को ऐलान किया है कि वह ट्रंप और साबका उपराष्ट्रपति जो बिडेन के सामने स्पष्ट चुनौती वजो 2020 राष्ट्रपति की चोन लड़नगे वैस्ट ने एक ट्विटर पोस्ट में एक अमरीकी झंडा इमोजी हैशटैग को जोड़द लिखा है कि हूँ सानू रब उत्ते भरोसा रखते हैं अपने दृष्टि को एकजुट कर अपना भविख बनाने अमरीका के वादे को पूरा करना चाहिए मैं यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति लिए चोन लड़ रहा इतने दस दईए कि वैस्ट मशहूर अमरीका की मशहूर अदाकार किम कारदाशियन के पति ने ते खुद एक रैपर भी ने अमरीका विच दो जहाजों के टकराउन की खबर सामने आई है तो दोवें जहाज अमरीका के सूबे इदराहो की कोय दी अलेन झील च डिग गए हैं तो इस हादसे में 8 लोगों की मौत होने की खबर है घटनास्थान से 2 मृतक डुबन तो पहला जहाजों चो बरामद किए गए हैं हालांकि बाकी 6 पीड़ितों का अजे तक कुछ पता नहीं लग पाया पर मनिया जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं अमरीका विच मिसिसिपी सूबे के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर फिलिप गुन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसकी जानकारी खुद फिलिप गुन वालों फेसबुक से पोस्ट साझी करके दी गई है वह सदन के किसी होर मैंबर के संपर्क में आए सन जो कोरोना पॉजिटिव से मिसिसिपी सूबे के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर फिलिप गुन कोरोना पॉजिटिव फेसबुक से पोस्ट साझी कर जानकारी दी है दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है जेकर गल की जाए कैनेडा की तो ओंटारियो पिछले 24 घंटे दौरान 139 नवे मामले सामने आए हैं टोरेंटो के पील रिजर्व पॉजिटिव केसों की गिनती लगातार बढ़ रही है इत दस दईए कि पिछले 24 घंटे दौरान दर्ज हुए नवे मामले में टोरेंटो तो 39 तो पील रीजन तो 28 होर मामले सामने आए हैं ओंटारियो हुण तक कोरोना वायरस के 39,794 मामले सामने आ चुके हैं जिन्हों 2,699 मौतों से 31,966 लोग ठीक हो चुके हैं सेहत विभाग वालों दी गई जानकारी मुताबिक पिछले 24 घंटे दौरान ओंटारियो तो सामने आए कोरोना महामारी के नवे मामलों में 105 की उम्र 20 तो 59 साल के विचकार है जबकि 11 मरीज 19 साल या इस तो घट उम्र के 21 मरीज 59 साल तो वध उम्र के ने जिथे ओंटारियो ते क्यूबेक विच कोरोना वायरस के केस लगातार सामने आ रहे हैं उत्थे ही नोवा स्कोटिया विच तीजे दिन भी कोरोना का कोई नवा केस सामने नहीं आया इत्थे दस दईए कि नोवा स्कोटिया विच कोरोना का नवा मामला वीरवार को सामने आया सी अते नोवा स्कोटिया विच कोरोना महामारी के 3 मामले सरगर्म ने नोवा स्कोटिया विच हुण तक 54,910 लोगों की रिपोर्ट नैगेटिव आई है 1,064 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो हुण तक राज अंदर 63 लोगों की मौत हो चुकी है कैनेडा वास्ते पंजाबियों लिए राहत भरी खबर तो हुण अमृतसर टोरेंटो हवाई सेवा जल्द शुरू की जाएगी कतर एयरवेज वालों 4 जुलाई तो हफ्तावरी दोहा तो टोरेंटो लिए 3 सीधिया उड़ाना शुरू किए जाने की फ्लाई अमृतसर इनिशिएटिव ने स्वागत किया कैनेडा तो इनिशिएटिव के उत्तरी अमरीका के कन्वीनर आनंददीप सिंह ढिल्लों ने दसा है कि कतर एयरवेज वालों दोहा टोरेंटो सीधी उड़ान शुरू किए जाबियों वड्डी राहत मिलेगी क्योंकि भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ाना शुरू होने मगरों अमृतसर हवाई अड्डा दोहा राही टोरेंटो नाल जुड़ जाएगा दरअसल कतर एयरवेज दियां पहला दी दोहा अते अमृतसर दरमियान सीधी उड़ाना ने दोहा राही पंजाबी उत्तरी अमरीका के 9 हवाई अड्डे नाल सीधा जुड़े हुए हैं जिन्हां विच कैनेडा के मेंटोरियल लई 4 हफ्तावरी उड़ाना शामिल ने दोहा तो टोरेंटो उड़ान शुरू होने के नाल पंजाबी सिर्फ 4.25 घंटे के इंतजार तो बाद दोहा तो टोरेंटो जां दोहा तो अमृतसर लई फ्लाइट ले सकेंगे इस तो पहला वड्डी गिनती च कैनेडा विच फसे पंजाबी दिल्ली तो उड़ान लैण लई मजबूर सन कतर एयरवेज राही नवे रूट के शुरू होने नाल अमृतसर दियां 7 हफ्तावरी उड़ाना दोहा राही कैनेडा जाणगियां इन्हां उड़ाना नाल पंजाब तो कैनेडा लई हवाई सफर सुखाला हो जाएगा
कैनेडा के वैनकूवर शहर में चीनी व्यापारक दूत घर के बाहर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया संगठन जुड़े लोगों वालों प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों वालों चीन हिरासत में ले गए कैनेडा मूल के लोगों की रिहाई की मांग की गई। गौरतलब है कि इस तो पहला भी 24 जून भारतीय नागरिकों ने चीनी दूत घर के बाहर चीन खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान 42 साल तो कैनेडा में रहते आ रहे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया संगठन नाल जुड़े मनिंदर सिंह गिल के मुताबिक कोबरिग अते स्पायर की रिहाई कैनेडियन मूलों नूं बचाने लई महत्वपूर्ण है। गिल ने कहा कि चीन दुनिया भर में हर किसी नूं धमकी दे रहा है ते असी चीनी दूत घर के बाहर प्रदर्शन करके चीन नूं सुनेहा भेजना चाहते हैं। अमरीका के दक्षिणी कैरोलिना नाइट क्लब में एतवार सवेरे गोलीबारी कारण दो लोगों की मौत होने की खबर है ते 8 लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। शेरिफ के एक अधिकारी वालों ये जानकारी साझी की गई है। ग्रीनविले काउंटी शेरिफ डिप्टी ने सवेरे लैविश लाउस में कुछ गड़बड़ी देखी ते इमारत के अंदर हो रही गोलीबारी को देख के उसने तुरंत सुरक्षा कर्मचारियों को बुलाया ते जख्मी को हस्पताल ले जाया गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सकया कि गोलीबारी के सिलसिले में किसी को गिरफ्तार किया गया है ज नहीं। विश्व सेहत संगठन ने कोरोना प्रभावित मरीजों के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लोपिनेविर नेटोनाइवर दवाइयों के इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया है। मलेरिया से HIV मरीजों को दिए जाने वाली इन दवाइयों के इस्तेमाल नाल कोरोना प्रभावितों की मौत दर रोकने में ये दवाइया असफल साबित हुई जिस कारण हुण इन्हों का इस्तेमाल कोरोना प्रभावितों से बंद करता गया। कोविड-19 के नियमों की उलंघना के दोष में कैनेडा पुलिस ने अमरीका के दो व्यक्तियों को भारी जुर्माना किया। कैनेडा की पुलिस मुताबिक ये दोवें अमरीकी कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ओंटारियो के कस्बे में कई बार घूमते देखे गए हैं। अमरीका के रहने वाले 66 साल डेविड सिपल और 65 साल औरत एनएस सिपल 24 जून को कैनेडा में दाखिल हुए सन। नियमों मुताबिक इन्हों सीधे मंजिल से जाके रुकना चाहिए सी पर दोवें रस्ते ओंटारियो के फोर्ट फ्रांसिस कस्बे में रुके तो खुद को इन्हों वालों एकांत पास भी नहीं किया गया। इस चलते इन्हों कैनेडा पुलिस वालों हजार डॉलर का जुर्माना किया गया। कैनेडा वासियों लई खुशभरी खबर। जानकारी मुताबिक वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी VPL 14 जुलाई तो अपनी केंद्रीय शाखा के नाल चार होर स्थानों से शाखावां नूं दुबारा खोलन जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण VPL ने मार्च में अपनी सारिया शाखावां बंद कर दी सन। मुख्य लाइब्रेरियन क्रिस्टीना डी कैस्टल ने एक बयान जारी करते कहा कि वह इस संकट की घड़ी सारे के सहयोग से सबर लिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि VPL वर्गी वड्डी लापरवाही नूं दोबारा खोलना बड़ा ही गुंजदार काम है ते सुनिश्चित किया जा रहा है कि लाइब्रेरी विच सब दा स्वागत किया जा सके। कैनेडा डे दे मौके ते सुखी बाट मोटर्स वालों सब नूं कैनेडा डे दीआं वधाईआं दित्तीआं गईआं ते इस खास मौके ते बाट मोटर्स वालों गड्डियां दी प्रदर्शनी भी लगाई गई जिस विच हर तरह के मॉडल दीआं गड्डियां उपलब्ध करवाईआं गईआं ने। सो जिवें कि असीं अज तुहानूं टूर करा रहे हां सुखी बाट मोटर्स दा, इत्थे हर तरह का हर ब्रांड भावें BMW हो, जैपनीज कार हो, अमेरिकन कार हो, या फिर एशियन कार हो, हर तरह की कार तुहानू दर्शन करावांगे। कनेडा दिवस के मौके पर सुखी बाट मोटर्स वालों खास गड्डिया की प्रदर्शनी लगाई गई है। सुखी बाट मोटर्स से हर ब्रांड दी गड्डिया उपलब्ध हैं ते सुखी बाट मोटर्स वालों करोना संकट को मुख रखदिया ते कनेडा डे के मौके पर स्टूडेंट्स से लोड़वंद लोगों जो गड्डिया खरीदने के चाहवान हैं उन्होंने घट ब्याज दर से लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है ते जिथे कनेडा वासी अपनी जरूरत के अनुसार अपनी मनपसंद कार खरीद सकते हैं। सुखी बाट मोटर्स से हर रंग हर मॉडल दियां लगभग 400 तो वध गड्डियां मौजूद हैं। सुखी बाट मोटर्स 2.99% ते ब्याज दर से लोन दे रहे हैं ते इस लोन दियां किश्तां भी फरवरी 2021 तो शुरू होणगियां ते लोन भी प्री अप्रूव्ड है। देखो जी गड्डियां दा ते साडी कोशिश हुंदी है कि हर एक की लोड मुताबक हर एक की चॉइस मुताबक और मैं एक दावे ना कह सकता भी 400 गड्डिया के हर मेक एंड हर मॉडल की गड्डी साढ़े को अवेलेबल है ज ये भी कह लीए कि हर एक दे बजट की गल जो असी करते हैं तो वह साढ़े को अवेलेबल है। ज़्यादातर अपने पंजाबी गल करते हैं कि भी आप लेनी है होंडा या फिर टोयोटा, ये कोई खास कारण की है ये क्योंकि तुम इस बिजनेस पिछले 40 साल तो ते जिस तक मैनू लगता कि अपने जिस तरह गल करिए कहता कि या होंडा दिखाओ
या फिर मैं टोयोटा दिखाओ। हाँ बिल्कुल, वैसे वो सही नहीं, एक तरह जी होंडा तो टोयोटा दे आर वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल इन द वर्ल्ड, दुनिया के सब तो वधिया गड्डिया होंडा तो टोयोटा ने अज तक बनाईया ने। बड़ी उन्हों की जिंदगी लंबी बड़ी है, बड़े मील चल जाए, चार चार लाख पाँच पाँच लाख चल जाए ने। वैसे गड्डिया होर भी मार्केट के बड़िया अब्बल दर्जे दिया हूँ तो आ गई ने। हाँ जी होंडा तो टोयोटा वाकया ही सोहनिया गड्डिया और साढ़े को बड़ी बड़ी तादाद में स्टॉक में होंगे ने। तो जे आप गल करिए बेस्ट जेडे आप गल करते होंने मॉडल्स की या फिर मेक्स की ज़्यादा सेल कि कंपनी की होंगी है? साढ़े पंजाबी भाईचारे के फैमलियाँ कट्ठिया रहनिया ने, तो अक्सर जोड़ा एस यू वी अजक साढ़े पंजाबी परिवार बड़ी प्रचलित है, शौक भी ने, बड़िया ने गड्डिया, सत्त सीटर भी मिल जाए ने, फाइव सीटर, फिर फोर बाय फोर भी, तो ज़्यादा अजक एस यू वी ही ज़्यादा खरीदे जाते हैं, जहाँ मैं तो कहूँ 60-65% जिहड़ियां गड्डियां वो एस यू वी दे विच ही विकदियां ने। जी जी, फिर देर किस गल दी, अज ही आओ सुखी बाट मोटर्स से ते ले जाओ अपनी मनपसंद कार। सरी तो ओंकार सिंह की रिपोर्ट, चढ़दी कला टाइम टीवी। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही, इस मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।